महिला के लिए एम्बुलेंस की मांग की गई थी, उनके मांग पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एम्बुलेंस भेजे, लेकिन लोग इंतज़ार नहीं किए और वहां से एक मोटरसाइकिल से उसको चंदवा सीएससी भर्ती कराए। तो जब आप मांग करते हैं तो वेट करना चाहिए कि आ रहा है कि नहीं। 40 मिनट में मेरा एम्बुलेंस वहां से लौट आए और आरोप लगाया जा रहा है कि ये एम्बुलेंस नहीं है। दूसरी बात, हमारे चंदवा सीएससी में एम्बुलेंस की कमी नहीं है, सरकारी एम्बुलेंस भी है, 108 एम्बुलेंस भी है और ममता वाहन भी है। तो हमको लगता है कि आप किस ढंग से अप्रोच किए हैं उसमें दिक्कत हुई है। संसाधन की वहाँ कमी नहीं थी और हमने भेजा भी एम्बुलेंस, लेकिन आप इंतज़ार नहीं करके और मोटरसाइकिल से ले आने की उसको करते हैं। तो चंदवा से लाते हर भी तो सर मोटरसाइकिल से ही आई? नहीं, यहाँ तो एम्बुलेंस से आई है, 108 एम्बुलेंस से यहाँ लाया गया जी। तो यहाँ पर से इलाज क्यों नहीं हो पाया महिला का? यहाँ महिला 4 माह की गर्भवती थी और उसको ब्लीडिंग हो रहा था और 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था। वहाँ बताया गया चंदवा में कि हम ब्लड देंगे, पत्रकार बंधु बोले कि दो लोग हम लोग ब्लड देंगे, यहाँ कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसको जान मारने के लिए हम भर्ती नहीं रख सकते थे, हमने रेफर कर दिया उसको। अभी महिला की स्थिति क्या है सर? महिला की स्थिति अब हम रेम्स में है, वहाँ ब्लड चढ़ा है, अब हमको विशेष जानकारी महिला के बारे में नहीं। थैंक यू सर।